मैडम थोड़ा सा चेहरा दिखा दो कैमरे में। ओह माय गॉड, मैडम नाराज होके जा रही है। और एक जरूरी सूचना, ये जो आप निशान देख रहे हो गाड़ी में, ये कबूतर की टट्टी है जो मैंने खुद कबूतर से रिक्वेस्ट करके टट्टी करवाया है अपनी गाड़ी में, क्योंकि कबूतर की टट्टी से जो डिजाइन बनता है वो देखने लायक होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरे गाड़ी में कबूतर ने टट्टी करी है। धन्यवाद। चलो की गाड़ी रखे जी। पेट्रोल पंप रौरकेला का वेदर दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, और ये जो सारे कोहरे हैं ना, ये रौरकेला की पहचान है। विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है, इतना भयंकर हालात है अभी। आई कैन फील द ड्रॉपलेट्स। गाइस ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है, अगर कुछ गलती वलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे इस कैमरे से मोटो ब्लॉगिंग अच्छा हो सकता है कि नहीं। ओह माय गॉड, तो फाइनली मैंने अपने मैडम को उनके ऑफिस में छोड़ दिया है, और मैडम बहुत निराश हैं। और मैडम का चेहरा थोड़ा दिखा लेते हैं। मैडम थोड़ा सा चेहरा दिखा दो कैमरे में। ओह माय गॉड, मैडम नाराज होके जा रही हैं, और शायद खाने के टाइम पे हम वापस मिलेंगे। देखो मैडम को टाटा कर रहे हैं, लेकिन मैडम रिप्लाई नहीं दे रही हैं। मैडम टाटा, जाइए, हम मिलते हैं वापस। जाओ जाओ, मैडम का मन ही नहीं है ऑफिस जाने। देखिए मैडम वापस आ गई हैं, मैडम हमसे विदा लेना नहीं चाहती हैं, और मैडम बार बार आ गई। जाओ तो सीढ़ी चल रहा है मुझे भी। आप देख सकते हो मैडम फाइनली ऊपर गई, उनको विदा देना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। देखो फिर से मुड़ के देखेंगे। यस जाओ टाटा। देखो मैडम जा नहीं रही है, मैडम गिरने वाली थी। ओके, क्या ये मोहब्बत आगे भी ऐसे बरकरार रहेगी, या सरकार की तरह 5 साल में गिर जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए अजब सिद्ध की गजब कहानी। फाइनली मैडम को हमने विदा दे दिया है, और हम अभी वापस चलते हैं। गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिला है, पेट्रोल दिख नहीं रहा है गाड़ी में। हम थोड़ा सा यू टर्न मार के आते हैं। फिर भी थोड़ा सा चेक करते हैं मैडम वापस होगी क्या इधर। नो, फाइनली मैडम चली गई है, और हम वापस अभी निकल सकते हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ पहले तो पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल डालने के बाद मैं अपने आप को अपने पुराने बचपन के स्कूल लेके जाऊँगा, आपको स्कूल दिखाऊंगा मैं। आई होप ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, वरना मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो बैल जी रोड पे घूम रहे हैं, उनको अभी जस्टिस चाहिए रोड में, उनको भी एक जगह चाहिए, उनके लिए एक लेन बनना चाहिए। पहले तो हम पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल भरने के बाद आगे जो कुछ करेंगे वो आप देख लेना। सामने एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस को पहले रास्ता छोड़ना चाहिए हम सबको। ये पिंक कलर के ऑटो पता नहीं क्यों लड़के चला रहे हैं, ये तो लड़कियों के लिए बने थे, लड़कियाँ ड्राइव करना चाहिए। अरे सब करप्शन भरे पड़े इधर यार, या लड़कियाँ आलसी हो गई है, वो चलाती रही, अपने हस्बैंड को दे देते। ओह माय गॉड, पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, क्या मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच पाऊंगा? लेट्स सी। और सिटी के अंदर ऐसे ट्रैफिक में नॉन गियर गाड़ी चलाना बहुत मजा आता है। गियर वाले गाड़ियाँ गियर चेंज करते रह जाएंगे यार।
तो फिलहाल तो मेरी मकसद ये है कि मैं पेट्रोल पंप तक बिना कोई दिक्कत के पहुंच जाऊं। आई होप मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं पहुंच जाने की कगार में हूँ। व्यवस्था मुझे एडवेंचर से कम नहीं लग रहा है भाई। चलो पेट्रोल पंप तो नज़दीक, यहाँ अगर गाड़ी बंद भी होता है तो मैं ढकेल ढकेल के रह सकता हूँ, इतना नज़दीक है। देखिए किस तरह गंदा रास्ता बना पड़ा है, यहाँ पे गाड़ियों की हालत क्या होगी आप सोच सकते हो। बहुत ढीला काम। बाप रे, MS बिरजा कंस्ट्रक्शन भाई, लोग अगर देख रहे हो तो भाई जल्दी ख़त्म करो काम यार, हालत ख़राब हो रखी है। फाइनली पेट्रोल पंप तो आ गया। अभी सुबह ही चलेगा भी। तो भाई जब मैं पेट्रोल भर रहा था तो मेरा कैमरा देख के वो लोग बात करने लगे कि भाई कैमरा है इसको ध्यान से देख। तो इसका क्या मतलब मैं समझूं? इसका मतलब ये है कि कुछ तो घोपला होता रहेगा बिना कैमरे वालों के साथ। अभी हम ये जो रोड आप देख रहे हो ना, उदित नगर का, उदित नगर हाई स्कूल रोड है। तो ये रहा मेरा स्कूल का रोड और ये रही मेरी स्कूल। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मेरा स्कूल है और मैं आपको स्कूल के फ्रंट में दिखाने जा रहा हूँ। तो ये रहा मेरा स्कूल का फ्रंट। तो ये रहा मेरा स्कूल का एरिया और ये रहा मेरा स्कूल। बहुत मन कर रहा है कि अंदर जाके अंदर सारे रूम्स वगैरह देख लूं, लेकिन क्या करें, अभी शायद अलाउड नहीं होगा। ये रहा स्कूल और इसके सामने ये रहा ये मैदान। यहाँ पे जब ब्रेक टाइम होता था तो हम यहाँ आके, ब्रेक टाइम के वक्त हम यहाँ मैदान में आके अपना लंच वगैरह करते थे। ये रहा बहुत बड़ा मैदान। खैर कोई ना, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखाऊंगा, मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगा। तो जो लोग भी उदित नगर हाई स्कूल से जुड़े हैं मेरे साथ, कमेंट कर दो ज़रा, मैं भी देखूं कि पुरानी कितने बंदे मेरे साथ अभी मौजूद हैं रौरकेला में। मैं ठीक से, मुझे याद नहीं आ रहा यार ये वही रास्ता है कि नहीं, बिकॉज मैं इस रूट से कभी, इस तरफ से कभी अपना कॉलेज गया नहीं था। जहाँ से भी मैं आया था वो पिछले वाले रास्ते से आया था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं। आई होप ये सही रास्ता हो। लेट्स सी कॉलेज। ओ यस, म्यूनसिपल के बच्चे अगर दिख गए दूर से ही तो समझ जाओ ये वही कॉलेज है। मेरे कोई सब्सक्राइबर होगा इधर तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हम गरीब को कोई पहचानता ही नहीं है। तो ये रहा मेरा कॉलेज लेफ्ट साइड में और यहाँ पे मैंने अपना 12वीं कक्षा पास किया था। तो ये रहा मेरा कॉलेज। ये बाजू में गया रिंग रोड और इसके ठीक ऑपोजिट में आपको ये कॉलेज दिख जाएगा। इसी गेट से मैं एंटर होता था बचपन में 2007 में। होप आपको ये कॉलेज दिख गया होगा। अभी नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखाऊंगा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको वो स्कूल दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ाई की थी। तो मैं वो स्कूल आपको दिखाऊंगा अभी। रोड इतना अगर चौड़ा चौड़ा मिले ना तो रोड में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, ऊपर से नॉन गियर हो तो वाव, सोने पे सुहागा। घना कोहरा, कोहरे के बीच मंदिर, मैं और मेरी स्कूटी और मेरा पहला मोटो ब्लॉग, चार चांद लग गए।
स्कूल की गली मुझे याद नहीं आ रही है। लेट्स सी कहाँ पे होगा। आई थिंक आगे है जितना मुझे याद आ रहा है। ओ यस, यही है वो गली और यहीं पे ही मेरा स्कूल था। यहीं यस, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल। मैं फ्रंट से लेके आपको दिखाऊंगा और यही था वो स्कूल। अपना जो क्लास वन से और फाइव तक का जो सफ़र था ना, मैंने वो यहीं पे ही सफ़र को कंप्लीट किया था। और ये रहा स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, जो कि अभी इतना बड़ा है लेकिन बचपन में बहुत छोटा था। तो भाई साहब, आज के लिए इतना ही था। मैंने अपना स्कूल एरिया आपको दिखा दिया, जहाँ पे मैंने बचपन से बड़े तक का सफ़र तय किया था। अभी मैं फटक से घर पहुँचता हूँ और इफ़ सब अच्छा होगा तो एडिटिंग करने भी मज़ा आएगा और मैं ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है मोटो ब्लॉग, जल्द से जल्द आपको रिलीज़ कर दूँगा। तब तक दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे और मेरे वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब करते रहे और अपने दोस्तों को भी रेफर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना टैलेंटेड बंदा अपने रौरकेला में मौजूद है और कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है यार। एक सपोर्ट का बटन दबा देने से आपका तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, उल्टा मेरा फ़ायदा होगा। कैसे? मुझे हौसला मिल जाएगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। और मेरे वीडियोस सबसे हटके रहते हैं वो आपको पता ही है। और अगर आप चाहते हो मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर का बटन भी दबा देना साइड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मैं अपने घर पहुंच गया, अभी मैं जाकर थोड़ा रेस्ट करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।